हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप केवल 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। और यदि एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, और ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। आप भारत के किसी भी राज्य से इसमें आवेदन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, 12वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 2 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। नो फीस, यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी, नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। मेल एंड फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा की अगर बात करें तो 30 वर्ष यहाँ पर आपकी आयु सीमा रखी गई है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन रहेगा और फ्री है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नेमो पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की पोस्ट दी जाएगी। आवेदन फॉर्म की अगर बात करें तो इसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 2 फरवरी 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस एकदम फ्री है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। जॉब लोकेशन ऑल अक्रॉस इंडिया है, भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये एक सरकारी नौकरी है दोस्तों, और इसमें आपकी केवल योग्यता 12वीं पास मांगी गई है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन रहेगा, ये आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नोटिफिकेशन की तरफ चल के हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो इनकम टैक्स और इंस्पेक्टर की 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है, और साथ ही साथ टैक्स असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में आयु सीमा रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा, फिर उसके बाद अंडर गो ग्राउंड एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका करवाया जाएगा। इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन मांगी गई है। टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ 8000 की प्रेस पर हार की स्पीड यहाँ पर आपके मांगी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके केवल 12वीं पास मांगी गई है। साथ में आपको डिटेक्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि 10 मिनट्स का रहेगा। एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर लिखने की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बनी रहेगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और वहाँ से डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पर आपके पोस्ट के बारे में डिटेल दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटियस स्पॉट पर्सन टू द पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। तो यहाँ आपकी जानकारी दे रखी है, और ये डेट के बारे में आपको जानकारी दे रखी है कि 2 फरवरी 2021 तक इसकी लास्ट डेट दी हुई है। लेकिन जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और ये सारी आपकी डिटेल दे रखी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए 17 फरवरी 2021 तक आवेदन फॉर्म की डेट, लास्ट डेट रखी गई है। तो ये आपको जानकारी याद रखनी है। नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पोस्ट के बारे में डिटेल दे रखी है, वैकेंसीज के बारे में डिटेल्स दे रखी है। जैसा कि अगर हम देखें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपके केवल एक पोस्ट दी हुई है, जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए रहेगी। लेवल 7 आपको यहाँ दी जाएगी। और सैलरी की बात करें तो 44,900 यहाँ पर इनकी मंथली सैलरी रहेगी। टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो इनके नंबर ऑफ पोस्ट 6 दी हुई है, जो कि जनरल वालों के लिए 3 और ओबीसी वालों के लिए भी 3। लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपके फोर्थ लेवल की पे कमीशन रहेगी, जो कि 25,500 आपकी सैलरी दी जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पर इनके नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, एससी वालों के लिए दी जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 25,500 इनकी सैलरी रखी गई है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में जानकारी दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
एज लिमिट की अगर बात करें तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। टैक्स असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की बात करें तो 18 से लेकर 27 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। रिलैक्सेशन ऑफ एज की बात करें तो 5 वर्ष की छूट दे रखी है जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए और 10 वर्ष की छूट एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स वालों के लिए एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन ऑफ मेरिटियस स्पॉट पर्सन की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर इनके लिए भी ग्रेजुएशन मांगी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ डाटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर हावर। और स्टेनोग्राफर ग्रेड टू की बात करें तो यहाँ पर इनके केवल 12वीं पास मांगी गई है और कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। डिक्टेशन यहाँ पर 10 मिनट्स एंड 80 वर्ड्स पर मिनट, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 65 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्पोर्ट्स पर्सन की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स दे रखी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी आप बातें जानकारी ले सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउट करके, तो मैंने आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अवार्ड अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स के बारे में जानकारी दे रखी है। जैसा कि इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर आपके सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम कंसर्न, नेशनल की बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न, तो ये ऐसे आपको यहाँ पर जानकारी दे रखी है, आप यहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड, एंड देन आपको इंटरव्यू एंड वेरीफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स के लिए बुलाया जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको अंडर गो ग्राउंड एंड प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिस्ट ऑफ प्रीफर्ड गेम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिस्ट ऑफ गेम्स की दे रखी, जैसा कि आप देख सकते हैं एथलीट्स, बैडमिंटन, शूटिंग, क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको फिलअप करना है, प्रिंट आउट आपको इसकी निकलवानी है और फिलअप करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको टिक करना है, यहाँ पर आपका फ़ोटो और आपका नेम, पापा का नाम, जेंडर मेल या फीमेल, और परमानेंट यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा, साथ ही साथ पिन कोड भी आपको डालना है। फिर आप जहाँ रहते हैं कम्युनिकेशन जो एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर डालना है पिन कोड के साथ, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर और आपकी एज यहाँ पर आनी चाहिए। जनरल ओबीसी एसटी एससी जिस भी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हाईएस्ट है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, साथ ही साथ आपको उसकी जेरोक्स कॉपी भी प्रोवाइड करवानी होगी स्कैन करके। आप जिस भी स्पोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि बैडमिंटन या स्विमिंग, तो आपको यहाँ पर लिखना है। डिटेल फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आपको उसके बारे में भी जानकारी लिखनी है। इंटरनेशनल अवार्ड ये सब आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, नेशनल के बारे में यहाँ पर देना पड़ेगा। डिटेल ऑफ लेटेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ टू बी एनक्लोज्ड, तो ये आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। टेलीफोन नंबर यहाँ पर, ईमेल आईडी भी आपको डालनी होगी, तो ये सारी आपको यहाँ पर जानकारी। और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, यहाँ पर आपका फुल नेम, प्लेस, जगह होनी चाहिए, जगह का नाम और डेट, ये सब आपको लिख के और डॉक्यूमेंट के साथ स्कैन करके और ऑफलाइन आपको भेजना है। जी मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस की जानकारी दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एड्रेस दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अयंकर भवन 48 एरिया हिल्स, तो यहाँ पर आपको एड्रेस दे रखा है, इसके थ्रू आपको ये पोस्ट देना है। लास्ट डेट दो फरवरी, मतलब 2 फरवरी 2021 से पहले आपको ये पोस्ट करना है। और जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनके लिए लास्ट डेट 17 फरवरी 2021 रखी गई है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको अपने नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ स्पोर्ट का लिखना है, जैसे कि बैडमिंटन या स्विमिंग, जो भी जिसके भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये रही दोस्तों जानकारी, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
कर दीजिएगा। थैंक यू।